मीठू और कौरा। एक पेड़ पर एक मीठू रहता था। एक मीठू स्वभाव का बहुत अच्छा था। वो सबसे मित्रता करना चाहता था, जिस पर बहुत रसीले और मीठे आम थे। तो उसने सोचा कि चलो मैं इन आम को खाता हूँ। पर उसने बहुत कोशिश करी आम खाने की, पर कौरा नाम का एक कौआ उसे खाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उस पेड़ पर ही रहता था। मीठू ने उससे बहुत विनती करी, पर कौरा मानता ही नहीं और कहता, यह मेरा पेड़ है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, ये आम भी मेरे हैं, तुम यहाँ से निकलो। तभी मीठू एक गुब्बारा देखता है और उसे अपने मुंह में दबाकर ये सोचता है कि अगर मैं ये गुब्बारा कौरा को दे दूं तो वो खुश होगा और मुझे आम खाने देगा। इसी सोच से वो कौरा के साथ गुब्बारा लेकर खेलने जाता है और कौरा बोलता है, ये कौन सा फल है, मैं भी खाऊंगा। जब मीठू बोलता है, मैं इसे खेलने के लिए लाया हूँ, चलो खेलें। दोनों आपस में मिलकर खेलते हैं, पर जब ही गुब्बारा फट जाता है, फट, कौरा बोलता है, ये तो कोई शिकारी आ रहा है। पर मीठू उसे समझाता है कि यह कोई शिकारी नहीं, ये गुब्बारा फटा है। और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। कौरा उसे अपने साथ खिलाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और मीठू कहते, चलो एक साथ बैठकर आम खाएं। तो कौरा बोलता है, ठीक है चलो खाते हैं। ऐसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों मीठे मीठे रसीले उसी पेड़ पर बैठ के मजे से आम खाते हैं। कहानी समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।